पिछले वीडियो में आपने देखा कि फिश टॉनिक कैसे बनाते हैं, तो चलिए आज हम जानते हैं कि फिश टॉनिक का उपयोग कैसे किया जाता है और इसके क्या फायदे हैं। दिना होए गेलै दीदी, अभी के का करबे? अभी के मुंह के खोल लेबै और के अच्छी तरह से मिलाबै। अभी के डंटा से अच्छी तरह से मिला देबै। अभी के छानबै, ले ई चलनी के पकड़। दे ठीक पकड़ा थिया। अब हो गेलै दीदी, अभी के का करबै? हाँ, अभी हो गेलै इके। अब छिड़काव करे खाओ पौधा में 20 मिलीलीटर ई टॉनिक के 1 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करे खाओ। अब हम इन दीदी के नापबै। ये देखिन, ई लगे 20 मिलीलीटर का ढक्कन, इकर में हम इन 20 मिलीलीटर दवाई के डालबै और 1 लीटर पानी भी डालबै। ठीक दीदी। इके अब खेत में लेके छिड़के खाओ। चल तोर खेत कने है, हुआ छिड़कब। चल तब। लेकिन दीदी एक बात के याद रखबे हमेशा। हाँ, कि ये देखी 10 दिन कर अंतराल में इके छिड़काव करे खाओ बिहान बिहान के। अभी दवाई के छिड़क सखिए ला दीदी। हाँ दीदी, चल कि अभी छिड़कब हमें पौधा में। देखला भाई बहन सब, हम इन फिश टॉनिक किस तरह से बना लिए से। ये हमीन ले बहुत फायदा है, कहे कि इके छिड़के से हमीन कर पौधा कर कीट और बीमारी के दूर करेले और हार्मोन कार्य के भी पूरा करेले और फल और फूल के भी बड़ा करेले। तो देखा ना आपने कि मछली सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारी फसल के लिए भी कितनी उपयोगी है। इसके प्रयोग से हमारी फसल में कीट से बचाव होता है, पौधों को हार्मोन मिलता है तथा उनका विकास अच्छे से होता है। इसके अलावा फिश टॉनिक में मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम हमारी फसल के लिए एनपीके का एक अच्छा स्रोत है। किसान दीदी के द्वारा बताए गए इस फिश टॉनिक को आप सभी जरूर बनाएं और इसका लाभ उठाएं।